आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। आज डिस्कस कर रहे हैं ट्रेनिंग मेथड्स की। ट्रेनिंग मेथड से कैसे आप अपने मसल्स बढ़ा सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। कैसे आज ऑर्डर रहेगा वीडियो का वो थोड़ा सा बता दूं। आज जब शुरू में बात करेंगे तो मेथड ट्रेनिंग की करेंगे कि कैसे मेथड ट्रेनिंग की जाती है। दूसरी चीज, कैसे ये कंडीशंस टू कंडीशंस डिपेंड करती है। मतलब जैसे अगर बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग हुई तो वो क्यों अलग रहती है पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग से, वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग क्यों पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग या बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग से अलग रहती है, थोड़ा सा उसको आज समझेंगे। फिर तीसरी चीज जो कि हम जिसके लिए आए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि मसल्स बढ़ाने के लिए कौन सी ट्रेनिंग हम कर सकते हैं जिससे हमारी बॉडी का शेप थोड़ा सा अच्छा लगे, दिखे। तो ये सब प्रोमो के उस साइड, उसके पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सबका स्वागत है, नमस्कार। मेथड ट्रेनिंग क्या होती है? मान लीजिए आप पहले एक मैच पढ़ते थे, वो मैच में आप एक मेथड लगाते थे, उससे आंसर आता था। एक दूसरा मेथड लगाते थे पर आंसर सेम आता था कहीं ना कहीं आसपास। ऐसे ही आप अपनी ट्रेनिंग को अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से करते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए। आंसर भले ही सेम आए, आपकी पावर सब में बढ़े, पर एक चीज डिफरेंट रहती है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। सीधे सीधे बोल रहा हूं कि एक बॉडी बिल्डर की बॉडी अगर आप कंपेयर करें एक वेट लिफ्टर से तो बहुत अलग है। अगर एक स्ट्रांग मैन की बॉडी आप एक बॉडी बिल्डर से कंपेयर करें तो वो बहुत डिफरेंट चीज है। ऐसे ही सब सब में पावर है, सब पावर के लिए ही ट्रेन कर रहे हैं, बट इनके साइज और इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है इनके वेट के हिसाब से। अब मेन चीज पे आते हैं कि कैसे ये कंडीशंस टू कंडीशंस डिपेंड करता है। मतलब आप बॉडी बिल्डिंग की बात करें, पावर लिफ्टिंग की बात करें, तो आपकी ट्रेनिंग कैसे बदल जाती है। जब आप बात करते हैं पावर लिफ्टिंग की, तो आपको मैक्सिमम वजन उठाना है। आपको जब स्क्वाट्स लगाने हैं, आपको मैक्सिमम अपना देना है। बेस्ट कॉम्पिटिशन में आपका डेडलिफ्ट बेस्ट होना चाहिए, आपका बेंच प्रेस बेस्ट होना चाहिए, वैसे ही वेट लिफ्टिंग में भी होता है। तो क्या करते हैं पावर लिफ्टर्स? जनरली पावर लिफ्टर्स लो रेप्स प्रैक्टिस करते हैं, एक परसेंटेज काटते हैं, एक मेथड पे वर्क करते हैं, और उस वेट पर वो लो रेपिटेशंस के साथ ज्यादा से ज्यादा सेट्स लगाते हैं। उससे उनको ज्यादा वेट उठाने का प्रैक्टिस होता है। वैसे ही अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, बॉडी बिल्डर्स ज्यादा से ज्यादा वेट में ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशंस लगाते हैं। उससे उनकी मसल्स ग्रोथ होती है, उसकी मसल्स का डेफिनेशन और जो कट है वो प्रॉपर आता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहता है अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स में। ठीक है, मैं होप मेरे को आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या कर सकते हैं आप अपने शरीर में मसल्स बढ़ाने के लिए, ऐसी कौन सी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बॉडी बिल्डिंग में आपको बढ़ाना रहता है मसल। तो मसल कैसे बढ़ाएंगे? मसल आप जैसा बॉडी बिल्डर्स करते हैं कि हैवियर वेट के साथ ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशंस लगाए। एक तरीका होता है, 3 से 4 सेट्स लगा लीजिए, उसमें आप 10 से 15 के बीच में रेपिटेशन लगाइए। हैवी से हैवी वेट जाना है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। एक वार्म अप सेट लिया, लेकिन आपका जो लास्ट सेट रहता है उसमें आप कंप्लीटली अपना पुट इन कर दीजिए और अच्छे से उसको लगाइए प्रॉपर फॉर्म के साथ। वो चीज आपकी मसल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा। दूसरी बात जब करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे शायद द की पॉइंट रहता है जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है आपके रेस्ट का। आपका इन बिटवीन सेट्स आपको 1 मिनट का रेस्ट लगता है। आप 1 मिनट का रेस्ट लीजिए सेट्स के बीच में, और उसके बाद अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के लिए बैठने का बोला था और आप बैठे हैं आधे घंटा किसी से बात करने को, या कोई लड़की पसंद आ गई उसको ट्रेडमिल पे देख रहे हैं बैठे बैठे, वो नहीं करना आपको। आपको 1 मिनट का, 30 सेकेंड का जो निर्धारित रेस्ट है आपका, रेस्टिंग टाइम, अगर आप जल्दी पिकअप कर लेते हैं, आप रेडी हो जाते हैं तो 30 सेकेंड, अगर आपको टाइम लगता है 1 मिनट, 1 मिनट बहुत होता है, सफिशियंट होता है, आपका मसल को रेस्ट मिल जाता है, वहां से जाके फिर अपनी सेट्स पे आप आ जाइए।
तो रेस्टिंग एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है एडिंग पावर मूवमेंट्स। अब पावर मूवमेंट्स क्या होते हैं? पावर मूवमेंट्स मतलब स्क्वाट, आपका डेडलिफ्ट, आपका मिलिट्री प्रेस, आपका जो जो चीजों में आपको ऐसे मूवमेंट जिसमें पावर लग रही है। अब मैं आज जो जो फैंसी आपके वो असिस्टेंस एक्सरसाइजेस होती हैं और असिस्टेंस इक्विपमेंट्स आते हैं उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है बैठ के, बट सोचिए एक बार कि वो क्लासिक बॉडी बिल्डिंग डेज थे जहां पर आर्नोल्ड ट्रेन करते थे, जहां पर लू फरिग्नो ट्रेन करते थे, तो वो जब ट्रेन करते थे तो वो यही क्लासिक मेथड्स के साथ ट्रेन करते थे, क्लासिक पावर मूवमेंट्स के साथ ट्रेन करते थे। क्या रहता था? यही पावर मूवमेंट्स थे जो उनकी बॉडी में मसल्स में ग्रोथ लाते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इधर उधर ना भागते हुए पावर मूवमेंट्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें, वो आपकी बॉडी और मसल्स में ग्रोथ अलग लाएगी। पावर मूवमेंट्स इसलिए बहुत इफेक्टिव रहते हैं। अब इसमें कुछ चीजें मैंने छोड़ दी है, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं। कुछ चीजें क्या आप अगर पूछेंगे स्पेसिफिक कोई स्पोर्ट का, जैसे पावर लिफ्टिंग की मेथड ट्रेनिंग क्या होगी, कैसे कैसे सेट्स रहेंगे, तो वो अलग चीज है, उसके लिए बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है वो, उसके लिए पूरा एक अलग एपिसोड लगेगा, 15-20 मिनट का एक्सप्लेनेशन लगेगा उसमें, तो वो कभी और अपन कवर कर लेंगे। वेट लिफ्टिंग का क्या होता है वो कभी और कवर कर लेंगे। स्ट्रांग मैन का तो बहुत ही डिफरेंट रहता है, तो वो तो कोई स्ट्रांग मैन के साथ ही हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि क्या क्या कर सकते हैं, ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो ये मेथड ट्रेनिंग मैंने सिर्फ मसल्स के लिए बताया है जो आप कर सकते हैं जिम में। हाँ, और दूसरी बात जो आपको कंसिडरेशन में रखनी है, जो कि ये सब चीजें से बाहर है, वरना आप बोलो कि मैंने सारी चीजें करी बट मेरा हुआ नहीं। पहली चीज, आपको अगर इसमें इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो आपको करना पड़ेगा माइंड एंड मसल कनेक्शन का, जैसा मैंने समझाया था। नहीं देखा इधर देख लो, माइंड एंड मसल कनेक्शन बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आपकी डाइट, आपकी डाइट बहुत जरूरी है। आप अगर अपनी डाइट पे ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर तो सब कुछ कोई काम का ही नहीं है। देखो, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं खाओगे और लंच नहीं करोगे और फिर जाके शाम को जिम में ट्रेनिंग करोगे तो ऑफ कोर्स कमजोर रहेगी बॉडी, तो आप उस पे और हार्ड वर्क उससे करवा रहे हो तो कहीं ना कहीं लॉस होगा मसल का। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझने की जरूरत है। आज का एपिसोड कैसा लगा बताना, कुछ भी क्वेरी हो आप बिल्कुल बताइए फ्री होके नीचे, मैं पूरी कोशिश करूंगा या तो उस पे वीडियो बना दूं या आपको नीचे ही सेटिस्फाई कर दूं एक आंसर से। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इंडिया स्पोर्ट्स मूवमेंट। अगर आप एक एथलीट हैं, अगर आपके पास प्रॉपर फैसिलिटीज और फंड्स अवेलेबल नहीं है तो आप चाहें तो इंडिया स्पोर्ट्स मूवमेंट पे आ सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर इंटरव्यू नहीं भी देना चाहें कोई बात नहीं, एक वीडियो कॉल भी काफी है, जैसा मैं हमेशा कहता हूं। सब्सक्राइबर्स तो ऐसे बढ़े हैं 2-3 दिन में कि आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है, प्लीज ऐसे ही रखिए। 600 से 650 भी हो गए हैं हम, 650 से ऊपर भी हो गए हैं हम। अब धीरे धीरे ये टारगेट बढ़ाना है, धीरे धीरे लोगों तक पहुंचना है, धीरे धीरे और एथलीट्स तक पहुंचना है, उसके लिए मैं आपकी हेल्प चाहता हूं। आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, प्लीज हेल्प करिए इंडिया स्पोर्ट्स मूवमेंट को ग्रो करने में, ताकि हम कहीं ना कहीं छोटा सा पार्ट निभा पाए इस देश के डेवलपमेंट में, इनके खिलाड़ियों के डेवलपमेंट में। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडिया स्पोर्ट्स मूवमेंट, द रिवॉल्यूशन वी आर गोइंग टू ब्रिंग टू स्पोर्ट्स इन इंडिया। नमस्कार।